थकान हो गई है, कुछ देर तक विश्राम कर लेना चाहिए। जगह जगह कुछ ऐसे स्थान आपको मिल जाएंगे जिससे आप रिचार्ज हो जाएंगे। एक ही तरह के काम करते करते ऊबन हो जाएगी, आपका मन नहीं लगेगा। जैसे अगर आप किसी नौकरी में हो, प्राइवेट हो सरकारी हो नहीं पता, लेकिन अगर काम करते करते आपको थकान महसूस हो तो जैसे ही आप टहल लेंगे, मुंह धो लेंगे और एक प्याली चाय पी लेंगे तो फिर से ऊर्जा आ जाएगी। एक बार अगर झपकी ले लेंगे तो फिर से रिचार्ज होकर के दूने उत्साह के साथ आप काम कर सकेंगे। भैया तो चलते चलते दो वीडियो किया हूँ और लगभग 70 किलोमीटर यात्रा मोटरसाइकिल से पूरा हो गई है। कहीं पानी मिला नहीं, अब कहीं देखते हैं, कहीं मिलेगा तो एक बॉटल ले लिया जाएगा, नहीं सरकारी हैंडपम्प मिलेगा तो ही हम लोग। कुछ खाने की इच्छा तो नहीं है लेकिन पानी की इच्छा है। तो यह है देखिए भैया जुगाड़, जहाँ हो जुगाड़ तो समझिए आ गया बिहार। यह अगर आपसे पूछेंगे तो बहुत से लोग बता देंगे, क्योंकि हमें देखने वाले ऐसे लोग हैं जो काफ़ी जानकार लोग हैं, देहात के हैं, देहात में रहे हैं या फिर ऐसे मामलों पर कसरत करते हैं। यह है ताड़ का, क्या बोलेंगे इसको, ताड़ का पत्ता। ताड़ के जो पत्ते होते हैं उसका यह डंठल है। अब ताड़ भी आपको दिख जाएगा यहाँ, उसको भी दिखा देते हैं, ताड़ी नहीं दिखाएंगे। ताड़ी पिलाते हुए पीते हुए दिखाया भी हूँ, ताड़ी कैसे उतारा जाता है उसको भी दिखाया हूँ। उसका नाम तरकुलारिष्ट। भाई साहब नमस्कार। नमस्ते भाई साहब, देखे जा रहे हैं भाई साहब, नमस्ते, ठीक बा ना, जय हो। अरे चुनाव आ गल बा, के उठवा दिया ही, जय हो जय हो जय हो। बहरहाल कुछ बेचारे हल्के रहे होंगे या फिर कुछ लगाते रहे होंगे, यहाँ दारू तो नहीं मिलता लेकिन जुगाड़ कर लेते हैं लोग। जुगाड़ है ना, जुगाड़ का देश है, जुगाड़ का प्रदेश है। तो यह है देखिए भैया तार, नीचे 1 2 3 और इधर बांस बांधा गया है, इधर बांस और इधर यह है लकड़ी का, इधर भी है लकड़ी का, यहाँ भी सपोर्ट होगा, ऐसे ही है। तो 4 कुंदे हैं जो ज़मीन में गाड़ दिए गए हैं और उस पर तार, और तार को तार से बांध दिया गया है। देखिए उधर है तार, देखिए अरे नहीं हुआ, केला है, तार दिखाइए। हमारे छायाकार भी क्या बताएं, इन्होंने कहा हमको बताइएगा, तो इनका भी हम परिचय कराएंगे। इधर भिंडी का खेत है, भिंडी भिंडी बड़ा कारगर है, औषधीय गुणों से परिपूर्ण है, इसे आप देख रहे हैं। और इधर है केला, केले का हरा हरा इसका तना आप देख रहे हैं और इसके पत्ते देख रहे हैं, बड़े काम के हैं, बड़ा शुद्ध माना जाता है। इस तरफ है कदम, इधर है कदम कदम, और इस तरफ है पपीता, उधर है आम, और इस तरफ कुछ लौकी वगैरह है, उधर शकरकंद का है, उधर मूली भी है, मूली है, इस तरफ टमाटर की रोपाई की गई है। तो चूंकि किसान हूँ, खेती बाड़ी किया हूँ, अब अवसर नहीं मिल पा रहा है, उस तरफ सहजन के वृक्ष लगाए गए हैं, बड़ा मज़ेदार है, सहजन में बड़ी ताकत है। तो खेतों में सहजन है, कुछ हरा चारा भी उधर है, और इस तरफ रेलवे लाइन है, हम रेलवे लाइन के केबिन के पास हैं, और केबिन मैन के लिए शौचालय नहीं होगा, मुझे पता है, कई बार दिखाया हूँ, और बेचारे वही रेलवे ट्रैक पर जाते हैं, कहीं वहीं पेशाब करते हैं और वहीं शौच करते हैं। यह है देश का स्वच्छता अभियान, मैंने लिखा पढ़ी किया तो आया कि नहीं बनवाया जा रहा है, 150 साल से अधिक का रेलवे का इतिहास है लेकिन चल रहा है। तो लोग कहते हैं कि आप ही ठेका लिए हैं, क्या ठेका तो लिया ही हूँ, लोकतंत्र में हर आदमी ठेकेदार है, और लोकतंत्र की सेहत को सजाने और संवारने का ठेका तो उसी के पास है। बिहार है, बिहार का डुमराव, और डुमराव रेलवे स्टेशन से हम लोग कुछ दूरी पर हैं, इस स्थान को देख रहे हैं। चलिए कुछ देर तक और विश्राम करते हैं, और ऐसे ही आनंद आता रहता है भैया, कुछ रिचार्ज होता रहता हूँ। आप भी इस तरह से कहीं देखिए तो आपको जाना चाहिए, खेतों में जाना चाहिए, जाकर के किसान के जीवन को नज़दीक से देखना चाहिए।
यह देखिए इधर एक जर्सी बछिया है, बछिया और पड़िया। अब जो किसान नहीं होगा उसको नहीं पता होगा कि बछिया क्या होता है, पड़िया क्या होता है, पड़वा क्या होता है, बछड़ा क्या होता है। तो यह है देखिए, उधर एक पड़िया है, इधर एक बछिया है, और इधर एक पड़िया है, और इधर एक भैंस है। अब इनको चारा की ज़रूरत है, लेकिन पता नहीं किसान भाई कहाँ है, जिनका है पशुपालक है नहीं। उधर देखिए कुछ रखा गया है ईंधन के लिए, ताड़ का है, और उधर कुछ और किसी पौधे का है। शुक्र है कि यादव मेल BR 44 1450 जाना नहीं बजा रहा। बिरहा अगर सुनने के आप अभ्यस्त होंगे तो ट्रैक्टर पर बिरहा खूब मिलेगा। और एक बिरहा की एक लाइन है, ट्रैक्टर चलावे गावे गनवारे, सजनवा हमार बड़ा लहरी लहरी लहरी, तो सजनवा हमार बड़ा लहरी। फिर है, बड़ घर का लैका बा खैला बिना टूटल बा। अब यह बात तो यूपी बिहार के लोग ही समझेंगे, जो देश विदेश में रहते होंगे वह भी जानेंगे। बड़ घर का लैका बा खैला बिना टूटल बा, हाँफता हाँफ रहा है, जी ही ना मतलब मर जाएगा, दारू पर टूटल बा मतलब शराब पीता है, पियाक है, कहत बाणी भारत के जननवा रे, जननवा से अभिप्राय है महिलाओं का, कहत बाणी भारत के जननवा रे, सजनवा हमार बड़ा लहरी। यह है कुछ ऐसे जो मूल तत्व हैं भोजपुरी के। हम भोजपुर में ही हैं, भोजपुर के निकट हैं, भोजपुरी के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि भोजपुरी का उद्भव कहाँ से हुआ, सूत्रपात कहाँ से हुआ, भोजपुरी कहाँ से शुरू हुई। आज विश्व के अनेक देशों में बोली जाती है भोजपुरी, विदेशों में भी बोलते हैं लोग बड़ा प्यार से। तो भैया हम हैं ये समय डुमराव में, डुमराव बक्सर जिला में आवेला। देखा हम कई बार मनौली हैं अपने छायाकार महोदय के, लेकिन फोन आई जरूर। बहरहाल चला भैया, विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे के सादर नमस्कार। यदि हमार वीडियो रउआ सबे के पसंद आवत होके तो हम अनुरोध कैल चाहब कि हमारी चैनलवा के आप सभी सब सब्सक्राइब कैला, लाइक कैला, शेयर करबा तो हमरा के अच्छा लगी, हमरो चैनलवा कुछ बढ़ जाए। बिहार आ यूपी भाई भाई है, यूपी बड़का भाई है आ बिहार छोटका भाई है। ब्रजभूषण दुबे के नमस्कार, टाली वाले भाई नमस्कार। देखिए जा रहे हैं टाली, और यह है जुगाड़, ऊपर कितना बढ़िया लोहे का लगाए हैं और चल रहे हैं। तो आदर सहित नमस्कार।